नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर कम होने पर क्या लक्षण होते हैं, ब्लड प्रेशर कम होने पर शरीर में क्या नुकसान हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर कम होने पर आपको क्या करना चाहिए। ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना या कम होना, दोनों ही स्थिति खतरनाक होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। अगर किसी व्यक्ति का ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 90 से कम है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 60 से कम है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम है। ब्लड प्रेशर कम होने की स्थिति में शरीर के सभी अंगों तक खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति बेहोश हो सकता है। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर ज्यादा कम होने पर लकवा लगने का, दिल का दौरा पड़ने का और किडनी फेलियर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर कम होने पर क्या लक्षण होते हैं। ब्लड प्रेशर कम होने पर चक्कर आना, सिर घूमना, बेहोशी होना, जी मिचलाना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, शरीर में थकान होना या शरीर भारी लगना, ध्यान लगाने में परेशानी होना, धुंधला दिखाई देना, आँखों के सामने अंधेरा छाना, हाथ पैर ठंडे होना, चेहरा सफेद पड़ना और सांस लेने में दिक्कत होना आदि लक्षण ब्लड प्रेशर कम होने पर हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर कम होने पर आपको क्या करना चाहिए। ब्लड प्रेशर कम होने पर ब्लड प्रेशर को सामान्य करने के लिए आपको एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़कर और उसमें नमक मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को सामान्य करने के लिए आप इलेक्ट्रॉल के पाउडर को पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। कच्ची हरी सब्जियों और फलों का सेवन ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। खाने में नमक की मात्रा सामान्य रखें। शरीर के ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने के लिए नमक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि नमक का ज्यादा मात्रा में सेवन शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए नमक का सेवन सामान्य मात्रा में ही करना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।